वेलकम स्टूडेंट, एमएवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, तो इसके अगर हम सबसेट देखें तो सबसेट क्या होते हैं? इसके सबसेट होंगे, सबसे पहला जो सबसेट होगा वो 5 होता है, नल सेट। सबसे पहला जो सबसेट होता है वो पाई होता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर सेट बनाते हैं, फिर 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये टोटल हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 8। क्या है ये? 2 टू द पावर 3। और 3 क्या थे? 3 हमारे थे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमें किसी सेट के सबसेट निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कर देते हैं। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टू द पावर n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। एन क्या है? सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होते हैं। अब इनमें एक आपका 5 और एक 1 2 3, इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी ऑल अदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट से क्या है, कम है। कि कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में ऐसा है जो उसके सबसेट में नहीं है। तो यहां से ये चीज हमने देखी। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। कहीं पर आपने देखा होगा ये सिंबल सबसेट के लिए यूज होता है और कहीं पर ये। तो ये जो सिंबल यूज होता है ये केवल इस सबसेट के लिए यूज होता है, क्योंकि ये इसके बराबर भी है और सबसेट भी है। बाकी और सभी के लिए ये सबसेट का सिंबल यूज होता है। आप अधिकांश जगह पर देखेंगे कि सबसेट के लिए इस सिंबल का यूज किया गया है। ये होता है इम्प्रॉपर को प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का ही सिंबल होता है, लेकिन जनरली हम इसको क्या पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे इसका। वास्तव में ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि ऐसा सबसेट जिसमें कम से कम जो सेट है हमारा उससे कम एलिमेंट हो, यानी कि सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सबसेट में ना हो, तो हम उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट 4 5 बी है, तो अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये, तो
तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो जो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होती है वो हमें ऑर्डर्ड पेयर देती है। वो हमें क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर देता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से रिलेट होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होता है। तो ए और बी के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखें तो हमें मिलेगा 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 4 3 5। तो ये हमें ऑर्डर पेयर मिल गए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं जो किससे बनते हैं, ए और बी से। तो ये हमारा इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 3 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, यही कह रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फर्स्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए हमारे पी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्यू हो तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, पी इंटू क्यू। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे जो कि दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रोडक्ट करने पर हमें मिलेगा। इफ आइदर सेट ए और बी इज अ नल सेट, यदि ए और बी में से कोई एक नल सेट होता है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5, यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नल सेट होगा यानी कि 5 होगा। दो टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स आर इक्वल एंड आल्सो फॉर सेकेंड आर इक्वल टू सेकेंड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए x माइनस वन और y प्लस टू हमारे पास है, ये ऑर्डर पेयर बराबर हैं, ये हो जाएगा थ्री और फोर। तो क्या कहा गया है कि इक्वल तभी होंगे जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर, यानी कि x माइनस वन इक्वल्स टू थ्री और y प्लस टू इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कौन सा यूज करके, इस पॉइंट को यूज करके। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, if a and b are non-empty set and one of them is infinite, then a cross b, then the cartesian product of two elements will also be infinite. A relation r from a to b is a subset of Cartesian product of A and B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. तो जो relation होता है वो एक subset होता है Cartesian product of two set. तो इसको derive किया जाता है by describing the first element and second element of ordered pair. जो हमारा डोमेन होता है अगर R को हम लिखें तो R होगा हमारा सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और वो कैसे डिफाइन होगा, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pair, the set of all first element of ordered pair is known as domain of R. So set जो हमारा relation होगा उसके जो ordered pair हैं उनके first एलिमेंट का जो सेट निकलेगा उसको हम डोमेन ऑफ आर कहेंगे। इफ एन ए इक्वल्स टू पी एंड एन बी इक्वल्स टू क्यू देन टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B
इज नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में हो जाएंगे हम टू टू दी पावर पी क्यू। ये फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 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 दी पावर पी क्यू। यदि एन ए इक्वल्स टू थ्री है और एन बी इक्वल्स टू फोर है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 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 दी पावर थ्री इंटू फोर इक्वल्स टू 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 दी पावर ट्वेल्व। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए कहते हैं बी सी क्यू, हमारे पास एक सेट है जिसमें नाम लिखे हुए हैं अली, भानु, विनोद, चंद्र और दिव्या। तो अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू तो वो क्या मिलेगा हमको, ए का अली के साथ, ए अली, फिर ए का भानु के साथ, ऐसे करके बी का फिर अली के साथ, फिर बी का भानु के साथ, फिर सी का भानु के साथ और बी का बिनोय के साथ भी आएगा, सी का इन सभी के साथ तो आएगा ही, सी का चंद्रा के साथ भी आएगा। बस अभी फिर आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा और टोटल कितने आएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे थ्री इंटू फाइव। ये टोटल हमारे होंगे 3 × 5 = 15। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेम y, x बिलोंग्स टू p है, y बिलोंग्स टू q है। तो हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट किया कि फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड में जो नाम लिखे हुए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट हो। तो यहां से हम निकालेंगे ए का अली के साथ, ऐसे फिर बी का भानु के साथ, बी का बिनोय के साथ, सी का चंद्रा के साथ, बस डी नहीं है। तो ये हमें सेट मिलेगा अगर इसको हम तो यहां ए बी सी, ए किसके साथ गया, ए गया अली के साथ, बी गया भानु के साथ और बी गया बिनोय के साथ, सी गया चंद्रा के साथ और दिव्या रह गई अकेली। तो इस प्रकार से हमें एक रिलेशन मिला ए का अली के साथ, बी का भानु के साथ, बी का बिनोय के साथ और सी का चंद्रा के साथ। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारा आर। आइए अब बात करते हैं फंक्शन की। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो क्या कहा गया है, एक रिलेशन है जो कि ए से बी में होगा वो फंक्शन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो है एसोसिएटेड हो,
f such that a to b square से denoted करेंगे. If f is a function from a to b and a b belongs to f, then f a equals to b, where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f. तो अगर इसको graphical देखें, ये set हमारा a है, ये b है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 1, 5 के साथ गया, 2, 6 के साथ गया, 3, 7 के साथ गया. तो क्या कहा गया है, और 4 गया 8 के साथ, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए. अब यहां पर जो हमारा सेट बी है टोटल, उसको हम कोडोमेन कहते हैं, और जिन एलिमेंट की इमेज बन रही है, जो एलिमेंट एसोसिएटेड हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ, उसको हम इमेज कहते हैं. 5, 6, 7 इमेज होगी 1, 2, 3 की, 5, 6, 7, 8 इमेज होगी 1, 2, 3 एंड 4 की, और 1, 2, 3, 4 ये क्या होंगी, ये प्री इमेजेस होंगी 5, 6, 7 और 8 की, और जो सेट ए होगा वो हमारा होगा डोमेन. सेट ए को डोमेन कहेंगे और पूरे सेट बी को कोडोमेन कहेंगे. सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है उनको इमेज कहेंगे, और सेट ए के जो एलिमेंट है उनको सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज कहेंगे, और पूरे सेट ए को डोमेन कहेंगे. आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन. लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट f सच दैट r टू r बाय y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. तो इस टाइप का फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, और उसका जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है. सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन f सच दैट r टू r डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू c, where x belongs to R है, where c is a constant, domain of f is R, यानी कि real number होगा and range is c. इसका graph जो हम देखेंगे तो वो एक parallel line होगा to the x axis. Next है हमारा polynomial function. A function f such that R to R is said to be polynomial function if for each x belongs to R, y equals to fx equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot plus anx to the power n, where n is a non-negative integer and a naught, a1, a2, dot, an belongs to R. जो इसका ग्राफ होगा वो हमारा एक पैराबोला टाइप होगा या इस टाइप से जो है हमको मिलेगा. नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन. f such that r to r defined by fx equals to mod x for all x belongs to r is called modulus function. Modulus function को हम इस तरह से denote करते हैं, fx equals to x होगा when x greater equals to 0, और minus x होगा when x less than 0. यानी कि अगर graph में हम 0 के अगर left में हैं, 0 के left में negative value मिलेगी हमको, 0 के right में positive value मिलेगी, और इसके ग्राफ को जो है ऐसे डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा सिग्नल फंक्शन. f such that r to r is defined by fx equals to 1 होगा if x greater than 0, 0 होगा if x equals to 0, minus 1 होगा if x less than 0. इस कार्ड सिग्नल फंक्शन और fx equals to या mod x by x, mod x minus 1 by x minus 1 और mod x minus 2 by
x माइनस टू, इस टाइप के जो भी आपको फंक्शन दिखाई देंगे वो सब हमारे सिग्नल फंक्शन होंगे और ग्राफ जो है सिग्नल फंक्शन का कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r defined by fx equals to big bracket in x, x belongs to r, assume the value of greatest integer less than or equal to x, such a function is called greatest integer function। तो अगर हम greatest integer function equals to minus 1 देखें तो हमें x जो है वो greater equals to minus 1 और 0 के बीच में मिलेगा, 0 से छोटा रहेगा तो minus 1 और 0 के बीच में हमारा ये है x greater equals to minus 1 and less than 0। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा greatest integer का, for greatest integer x equals to minus 1, for x greatest integer x equals to 0, इसके लिए 0 के और 1 के बीच में जो ग्राफ रहेगा हमारा ये रहेगा, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से छोटा रहेगा x, for x equals to 1, x greater equals to 1 less than 2, ये हमारा 1 और 2 के बीच में गैप ग्राफ आएगा, 2 से थोड़ा पहले रहेगा, और x equals 2 के लिए x greatest integer x equals to 2 के लिए x जो है हमारा greater equal to 2 और less than 3 रहेगा, तो greater equals to 2 और less than 3 वाला ये ग्राफ हमारा रहेगा। तो इस टाइप से जो ये रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ को हम कहेंगे ग्राफ ऑफ greatest integer function। तो ये हमारा फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स थे। चलिए अब मिलते हैं।